चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव कार्यक्रम के बारे में बताया। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च को पहला चरण, 1 अप्रैल को दूसरा चरण, 6 अप्रैल को तीसरा चरण, 10 अप्रैल को चौथा चरण, 17 अप्रैल को पांचवें चरण का मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 के कारण हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर होंगे। इन चुनावों में 824 निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे। आयोग ने कोविड-19 को लेकर खास दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य इनमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। रोड शो भी कुछ पाबंदियों के साथ होंगे। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होंगे। अरोड़ा के मुताबिक 4 असेंबली इलेक्शन में 824 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इस चुनाव में 18.68 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, केरल में 140, असम में 126 सीटों और पुडुचेरी में 33 सीटों पर चुनाव होंगे। असम की बात करें तो यहां 3 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 47 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 49 सीट पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 40 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी जगहों पर 2 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 4 राज्यों तमिलनाडु, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई जून में खत्म हो रहा है। वहीं पुडुचेरी में विश्वास मत पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा इस्तीफा देने से कांग्रेस नीत सरकार गिर गई थी और वहां विधानसभा भंग कर दी गई थी। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। केरल की बात करें तो केरल में सभी जिलों की 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होंगे। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में सभी सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।